हम में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि थूक में खून आना किन किन बीमारियों का संकेत हो सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। जब शरीर में किसी बीमारी की शुरुआत होने लगती है तब कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग इन लक्षणों को आम समझने की गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से शरीर में बीमारी का विस्तार होता चला जाता है, यानी कि बीमारियां शरीर में बढ़ती चली जाती हैं। बीमारियों से बचे रहने के लिए ये जरूरी है कि आप शरीर में दिखने वाले लक्षणों की सही तरीके से पहचान करें। कुछ लोगों में थूक में खून आने की समस्या देखी जाती है। ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि थूक में खून आना किन बीमारियों का संकेत हो सकता है और वो बीमारियां कितना परेशान कर सकती हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए समझते हैं थूक में क्यों आता है खून। पहली वजह है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मसूड़ों में सूजन और खून आने की समस्या देखी जाती है। कई बार तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, हालांकि कई बार ये चिकित्सकीय उपचार मांगती है। जिंजिवाइटिस में मसूड़ों में सूजन आ जाती है और कई बार खून भी निकलने लगता है जो थूक के साथ मिलकर थूक के रंग को लाल कर सकता है। अगर आप कभी भी इस कंडीशन का सामना करें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा दूसरी वजह हो सकती है ब्रोंकाइटिस। फेफड़ों में हवा ले जाने वाली नली को श्वास नली कहा जाता है। श्वास नली में जलन, सूजन और संक्रमण की दिक्कत हो तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी में ज्यादा सूजन होने की वजह से बलगम भी ज्यादा बनता है और उसमें कई बार खून आने लगता है। जब ज्यादा बलगम बन जाता है तो कई बार नलियों में रुकावट भी पैदा हो जाती है। वैसे तो ब्रोंकाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है, हालांकि ये समस्या ज्यादा दिनों तक नहीं रह जाए तो डॉक्टर का रुख करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी वजह है निमोनिया। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये बीमारी बैक्टीरिया, फंगी, वायरस की वजह से होती है। इसकी वजह से फेफड़ों में सूजन की दिक्कत पैदा हो जाती है। कई बार तो फ्लूइड या पस भर जाता है जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार इस बीमारी में थूक से खून आने की दिक्कत भी देखी जाती है। इसके अलावा चौथी समस्या हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस या कहें टीबी। ट्यूबरक्लोसिस भी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बीमारी फेफड़ों पर अटैक करती है। इस बीमारी के लक्षणों में थूक से खून आना भी शामिल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अगर आपको खून निकल रहा है तो जांच जरूर करवाएं। डॉक्टर आपके थूक का सैंपल देने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा आपको भी सीटी स्कैन, एक्सरे आदि करवाना चाहिए। कुछ मामलों में डॉक्टर ब्रोंस्कोपी करवाने की सलाह देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सांस लेने में जोर पड़ रहा है तो सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाएं और अस्पताल जाकर तत्काल इलाज करवाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।